मॉर्निंग फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो जितने भी रिजल्ट्स लिखे हैं, 8 रिजल्ट्स, और ये सारे रिजल्ट्स कॉर्ड से रिलेटेड है। कॉर्ड जब बनती है, इट कैन बी फ्रॉम द 2 पॉइंट्स गिवन, और या किसी दूसरे तरह से मिड पॉइंट वाला भी कॉन्सेप्ट हमने इसी में लिया था। ठीक है, सो फर्स्ट टू पॉइंट्स को हमने इस प्रीवियस वीडियो पार्ट 15 में प्रूव कर दिया है, और अभी 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे रिजल्ट्स मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। मतलब ये सारे रिजल्ट्स हैं। लेंथ हमने बताया था, लेंथ सपोज लाइन गिवन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, एंड इफ इट इज इन अ कॉर्ड इट बिकम्स कॉर्ड फॉर द पैराबोला y स्क्वायर 4ax, राइट। सो इट्स लेंथ इज डायरेक्टली गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं, तो अगर लाइन इस फॉर्मेट की है y इक्वल्स टू mx प्लस c की, तो इस पैराबोला पे ये लेंथ दिखाएगी, डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है। यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू 4 बाय m स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू a माइनस m c, इनको रिजल्ट्स को कंपेयर करा के और उसको लिख सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि ये स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए ही काम करेगा। इस फॉर्मेट में ही पैराबोला होना चाहिए। y स्क्वायर इक्वल टू 8x हो, 16x हो, 12x है, कोई सा भी है, बट वो वैल्यू वही होना चाहिए। ठीक है ना, तो उसी से कंपेरिजन करके देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज। m आप कंपेयर करेंगे, सी आप कंपेयर करेंगे, और उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए रिजल्ट नंबर 3 आता है। रिजल्ट 3 इज दिस इक्वेशन ऑफ एनी कॉर्ड पी क्यू ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए टी वन स्क्वायर 281 एंड ए टी टू स्क्वायर 282 इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सो ये कॉर्ड है, कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है विद द पैराबोला वो दिए हुए हैं। लाइक दिस दिस इज द कॉर्ड एंड ए टी वन स्क्वायर 281, राइट। दिस इज द पी पॉइंट, क्यू पॉइंट इज ए टी टू स्क्वायर 282, दिस इज गिवन। नाउ इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड इज रिक्वायर्ड। इक्वेशन ऑफ एनी कॉर्ड पी क्यू ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है, तो इससे दिया जाता है। ये बहुत सिंपल चीज है, आप खाली इसको 2 पॉइंट फॉर्म से ही बनाएंगे इक्वेशन को। तो कॉर्ड को इस तरह से याद रखेंगे, दिस इज गिवन बाय वाई इंटू टी वन प्लस टी टू इक्वल्स टू 2x प्लस 2a t1 t2। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। और इसी में अगर इसकी इक्वेशन को इसको सॉल्व देखना है कैसे आता है, 2 पॉइंट फॉर्म से आएगा। y माइनस y1 इज 2a t1, राइट, इक्वल्स टू y2 माइनस y1 2a t2 माइनस 2a t1 अपॉन a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर इंटू x माइनस x1 x माइनस a t1 स्क्वायर। सो बिल्कुल 2 पॉइंट फॉर्म में हम जो लाइन की इक्वेशन लिखते थे उसी से इसको यूज कर रहे हैं और लिख रहे हैं। ठीक है ना, सो दिस इज y माइनस 2a t1 इक्वल्स टू, देखिए इसमें a कैंसल हो जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ t2 माइनस t1, a कैंसल्ड, t2 माइनस t1 एंड t2 प्लस t1, राइट। इसको ब्रेक कर देंगे और एक ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, x माइनस a t1 स्क्वायर, राइट। ये भी हम लिख सकते हैं। नाउ सी, ये वैल्यू बचती है तो y इंटू t2 प्लस t1 माइनस 2a t1 इंटू दिस इज t2 प्लस t1 इक्वल्स टू, दिस 2 इज लेफ्ट, खाली 2 है, सो 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए ये पोर्शन तो हमें मिल चुका, इसमें पूरा वो दिखाना है। सो y इक्वल्स टू t2 प्लस t1 इक्वल्स टू, दिस इज 2x, 2x भी ऑलरेडी मिल गया है, 2a t1 स्क्वायर। ये पूरा पोर्शन इधर ले लेंगे, इसको आप लिख देंगे प्लस के 2a t1 t2, 2a t1 t2 प्लस 2a t1 स्क्वायर प्लस 2a t1 स्क्वायर, 2a t1 स्क्वायर। सो देखिए प्लस माइनस कैंसल्ड और जो पोर्शन बचता है वो यही आ गया, y इंटू t2 प्लस t1 इक्वल्स टू 2x प्लस 2a t1 t2, नाउ सी दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड जिसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं। कॉर्ड जहां इंटरसेक्ट करती है पैराबोला के,
और उस पॉइंट्स के इक्वेशन ऑफ एनी कॉर्ड पी क्यू ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली इस कॉर्ड की इक्वेशन जो है ये आप देख रहे हैं, इससे आएगी y इंटू टी टू प्लस टी वन इक्वल्स टू दिस इज 2x माइनस 2x प्लस 2a इंटू टी वन टी टू। तो ये इक्वेशन हम इससे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं पे हमने पॉइंट नंबर थ्री प्रूव कर दिया कि कॉर्ड की इक्वेशन एंड पॉइंट्स अगर दे रखे हैं ऐसे तो आप लिख दोगे। इसी में एक चीज आती है जो कि पॉइंट नंबर सेवन है, इसको हम डायरेक्टली यहां पे देख सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, राइट? फॉर फोकल कॉर्ड हैविंग कोऑर्डिनेट्स ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन एंड ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो उसमें एक कंडीशन लगती है। कंडीशन ये लगती है कि उस केस में टी वन टी टू माइनस वन होता है, तो वो भी प्रूव करना है। ठीक है, सो हम रिजल्ट नंबर थ्री के बाद रिजल्ट नंबर सेवन पे आते हैं। ये जो कॉर्ड हमने बनाई है, अगर ये फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड का मतलब ये इट इज पासिंग थ्रू द फोकस, राइट? तो उसके लिए हम नेक्स्ट वर्कआउट ले लेते हैं। आफ्टर थ्री पॉइंट वी आर गोइंग टू सेवेंथ पॉइंट, राइट? देखिए पॉइंट नंबर सेवन हम पहले कवर करेंगे, पॉइंट नंबर सेवन के बाद में ये भी कवर हो जाएगा, पॉइंट नंबर एट भी उसी के साथ कवर हो जाएगा और फिर आगे देखते हैं। ठीक है, सो पॉइंट नंबर सेवन, इफ वाई इंटू टी टू प्लस टी वन, टी टू प्लस टी वन इक्वल्स टू टू एक्स प्लस टू ए टी वन टी टू इज फोकल कॉर्ड, इज फोकल कॉर्ड, दैट इज इट मीन्स अगर फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास हो रही है, ठीक है ना? सो दैट इज पासिंग थ्रू ए कॉमा जीरो, एंड ए कॉमा जीरो क्या है? फोकस है, पासिंग थ्रू द ए कॉमा जीरो। सो तो पॉइंट क्या है कि अगर ए कॉमा जीरो से अगर ये कॉर्ड पास होगी तो उसको सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई करेगी तो हम पॉइंट प्लेस कर दें उसमें। ठीक है, तो वाई की वैल्यू जीरो रख देंगे, जीरो इंटू टी टू प्लस टी वन इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ एक्स की जगह ए आ जाएगा प्लस टू ए टी वन टी टू आ जाएगा, सो इट इज जीरो। सो जीरो इक्वल्स टू टू ए प्लस टू ए टी वन टी टू, पूरी इक्वेशन को अगर टू ए से फिर डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा टी वन टी टू प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, और यू कैन राइट द टी वन टी टू इक्वल्स टू माइनस वन। तो देखिए कंडीशन प्रूव हो जाती है, अगर कोई भी कॉर्ड हो जिसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पैराबोला पे ए टी वन स्क्वायर ए टी टू स्क्वायर होगा, तो उन पॉइंट्स को कई बार ऐसा भी लिखा जाता है, देखिए ये बात ध्यान रखें हमेशा, इसको पी टी वन से लिख देते हैं, पूरा पॉइंट नहीं लिख करके खाली ऐसे लिख देते हैं, तो इसका पूरा मीनिंग ये शो होता है कि दिस इज द ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन, खाली वो पी टी वन लिख देता है। पी टी वन का मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में टी वन वहां पे पैरामीटर है, तो पैराबोला में पूरा कोऑर्डिनेट तो ए टी स्क्वायर टू ए टी लिखते हैं, राइट? अगर टी वन प्लेस कर दिया है तो इट मीन्स पी टी वन मीन्स पॉइंट है पी, और उसका पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट पी टी वन लिखना है, तो ये उसका पूरा डिटेल्ड वैल्यू है। ठीक है, उसको पूरा डिटेल करके लिखना है पॉइंट को, तो इस तरह से लिखेंगे, शॉर्ट में लिखना है पी टी वन लिख देंगे। सिमिलरली अगर इस पॉइंट को लिखना है मुझे शॉर्ट में, तो शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे क्यू टी वन क्यू टी टू सॉरी हाँ क्यू टी टू लिखेंगे, और उसको डिटेल करके लिखना है तो उसी पॉइंट को ऐसा लिखोगे आप ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू लिखोगे। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई, और दूसरा पॉइंट हमें ये प्रूव किया कि अगर कोई कॉर्ड जिसके कि एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन हो, दूसरे एंड पे ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू हो, और वो फोकल कॉर्ड हो, तो ये कंडीशन बियर करती है। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन बियर करती है, तो जो टी टू होगा टी वन टी टू में ये रिलेशन आ गया माइनस वन बाय टी वन आ गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टू टी वन और टी टू पैरामीटर में ये रिलेशन आ गया। तो इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वो क्वेश्चन ये देता है कि अगर एक फोकल कॉर्ड गिवन है तो उसके एक एंड के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ठीक है, तो हम दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट्स इससे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो पहले मैं जनरल में लिखता हूँ आपको, ठीक है, फिर हम किसी भी फोकल कॉर्ड पे अगर एक एंड के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं
वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑल्सो, राइट। तो वो हम जब सारे एक साथ क्वेश्चंस लेंगे तब करेंगे, ठीक है। कुछ ये डेरिवेशन जरूरी है एक साथ, इसलिए इनको एक ही साथ लिया जा रहा है, अदरवाइज मैं वन बाय वन लेता, ठीक है। जरूरी है कि इनको यहीं पे प्रूव किया जाए, राइट। तो देखिए, इसमें हमने पॉइंट नंबर 7 प्रूव कर दिया, अब पॉइंट नंबर 8 पे आ जाएंगे आप। पॉइंट नंबर 8 देखिए, इस फोकल कॉर्ड के लिए कह रहा है, इन द फोकल कॉर्ड इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वन एंड इज ए टी स्क्वायर टू ए टी, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड बी ए टी वन स्क्वायर टू ए टी, राइट। तो पॉइंट नंबर 8 में ऐसा है कि अगर एक एंड पे कोऑर्डिनेट्स अगर टी वन स्क्वायर टू ए टी वन है, तो दूसरे एंड पे फोकल कॉर्ड के जैसा कि देख रहे हैं पी है, तो क्यू को हम ये लिखते हैं ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू। तो हम इसमें रिलेशन बताते हैं, सो रिलेशन इज टी वन टी टू इक्वल्स टू माइनस वन। तो अगर अदर एंड के निकालने हो तो माइनस वन बाय टी वन करेंगे, इस तरह से करेंगे। और अगर जनरल में ही लिखा है, राइट, इसको मैं ऐसा करता हूँ, जनरल में लिखता हूँ ए टी स्क्वायर टू ए टी लिख देते हैं, तो क्यू के क्या होंगे उस केस में? क्यू के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे कि यहाँ पे जैसे आपने टी वन को माइनस वन बाय टी टू से या टी टू को माइनस वन बाय टी वन से रिप्लेस किया है, ऐसे ही इस टी को आप रिप्लेस कर देंगे माइनस वन बाय टी से। देखिए ये करना पड़ेगा, टी जो जनरल है उसको आप अगर माइनस वन बाय टी से रिप्लेस करते हैं, सो रिप्लेस दिस ओनली दिस, यही एक्शन करना पड़ेगा। ये एक्शन करेंगे तो आपको अदर एंड के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ टी मिल जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ टी लेने के लिए पी क्यू है, तो आप ऐसा करोगे, दिस ए टी की जगह वन माइनस वन बाई टी प्लेस करोगे, तो उसकी जगह माइनस वन बाई टी का स्क्वायर होगा, एंड टू ए टी की जगह हमने रखा है माइनस वन बाई टी, सो अदर एंड के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे, ये क्यू हो जाएगा, एंड दिस इज ए टी स्क्वायर एंड दिस इज माइनस टू ए बाई टी होगा। सो देखिए यही चीज होती है, इन द फोकल कॉर्ड If coordinates of one end is a t square to a t, then coordinates of the other end will be a by t square minus 2a by t. इससे दिया जाता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 8 भी हमारा कवर हो गया। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, हम चले इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3 तक कवर कर चुके थे, पहले हमें लेना पड़ेगा ये वाला पॉइंट। दिस इज द फर्स्ट, वी हैव टू टेक द पॉइंट नंबर 5, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट द पी पॉइंट, दिस इज द पी पॉइंट ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन एंड ए टी टू स्क्वायर टू ए टू टू इज दिस वन। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर हम इसको लिख देंगे, एरिया ऑफ पी क्यू आर वो भी लिखा जा सकता है, ऑल्सो पी क्यू की लेंथ भी लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें प्रूव होंगी, बट फर्स्ट वी हैव टू प्रूव द पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कम्स फर्स्ट, राइट। सो लेट्स टेक द पॉइंट नंबर 5। देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट्स एट, तो टेंजेंट्स एट मीन्स दिस इज द पैराबोला गिवन। ये स्टेटमेंट मैं दोबारा नहीं लिख रहा, आप देख सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पी ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन एंड क्यू ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू इज दिस वन। सो दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका इस पॉइंट पे होता है। दिस इज इन गिवन इन जनरल, और इसको लेके हम कई क्वेश्चंस बना सकते हैं कि पैराबोला के जो कॉर्ड है उस पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो डायरेक्टली पूछेगा कि टेंजेंट इज ड्रॉन, देन फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन एंड ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू, राइट। तो उस पर काम करेंगे, दिस इज द पी पॉइंट ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन एंड दिस इज द क्यू पॉइंट ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू। इन दोनों पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ये जब टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे सो दे मीट्स एट द पॉइंट आर, एंड ये बोल रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट्स इससे आएंगे, द कोऑर्डिनेट्स कम्स विद दिस ए टी वन
T1 T2, this comes with the A T1 T2 and A into T1 plus T2 by this formula, right? And we have to prove this. तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसमें प्रूव कर सकते हैं एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए टी स्क्वायर टू ए टी फॉर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स गिवन बाय ये हमने इनिशियली प्रूव किया था कि अगर कोई जनरल पॉइंट हो पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मूले से आती है. दिस इज टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ए टी स्क्वायर टू ए टी. वो हम प्रीवियसली इससे पहले पहले वीडियो में प्रूव कर चुके हैं. सो दैट इज द टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर. नाउ फॉर टेंजेंट एट पी एन क्यू पॉइंट्स जो कि हमने यहाँ लिए हुए हैं पी और क्यू, इन पे जो टेंजेंट्स होंगे तो उसको लिख देते हैं. तो ये जो टी वेरिएबल है, टी वेरिएबल टी वन से चेंज हो जाएगा और टी टू से चेंज हो जाएगा, दो टेंजेंट लाइन बन जाएगी. सो दिस इज द टी वन वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर, लेट्स से इक्वेशन वन, एंड टी टू वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी टू स्क्वायर, सेकेंड टेंजेंट लाइन ये हो जाएगी. अब इसको खाली सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है तो वैल्यू निकाल लीजिए, राइट. सो उसको ऐसा करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे टू फ्रॉम वन, टू माइनस वन कर देंगे बेटर रहेगा, राइट. गिवन बाय ए टी वन कोई सा भी कर दीजिए, वन माइनस टू भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट. सो वन माइनस टू में वन माइनस टी वन माइनस टी टू इंटू वाई आएगा, एक्स कैंसल्ड, ए टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू आएगी ए इंटू दिस इज टी वन प्लस टी टू, टी वन माइनस टी टू, टी वन माइनस टी टू इज कैंसल्ड, ए टी वन प्लस टी टू आ गया. तो वाई कोऑर्डिनेट देखिए अवेलेबल हो गया, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट, राइट. इसके बाद में हम ले लेते हैं इसकी वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए फर्स्ट वाले में, ठीक है. सो वाई कोऑर्डिनेट की जगह पुट करेंगे टी वन इंटू ए, टी वन प्लस टी टू इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर, ए टी वन स्क्वायर. सो दिस ए टी वन स्क्वायर प्लस ए टी वन टी टू, टी वन टी टू इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर. सो ए टी वन स्क्वायर कैंसल्ड, सो देयर फॉर एक्स इक्वल्स टू ए टी वन टी टू. देयर फॉर पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ए टी वन टी टू इंटू ए इंटू टी वन प्लस टी टू. इस तरह से दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं. सो इन जनरल द कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय द ए टी वन टी टू इंटू ए टी वन प्लस टी टू. सो टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट दीज पॉइंट्स, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं.